चले रुक करते एक और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत दे दी गई है। महाड़ कोर्ट से नारायण राणे को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पर बयान देने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो महाड़ कोर्ट ने नारायण राणे को जमानत दे दी है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है। महाड़ कोर्ट से नारायण राणे को जमानत दी गई है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पर बयान देने पर गिरफ्तार हुए थे नारायण राणे। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। बिल्कुल ईरन, मैं बता दूं कल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र में गिरफ्तार किया गया था। दरअसल नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बाद नारायण राणे के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने पहले तो हिरासत में लिया, उसके बाद फिर गिरफ्तार किया और देर रात 12:15 बजे उनको महाड़ कोर्ट से जमानत मिली है। और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब राजनीति गर्माती जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे ने उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसके बाद यह पूरी राजनीति गर्मा गई है। पीरम, बहुत शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को देर रात जमानत ने नारायण राणे को जमानत दी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे पर बयान देने पर गिरफ्तार किया गया था राणे को।